पूर्ण कृपा केली निज वस्तु दावीली माझी मज माझे सुख मज दावियले डोळा दिधली प्रेम कळा ज्ञान मुद्रा तया उतराई व्हावे कवण्या गुणे जन्मा नाही येणे ऐसे केले नामा म्हणनी की दावियली सोय नवी सरावे पाय विठोबाचे बोलो विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल भागो 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 विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल 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 संत नामदेव महाराज की जय। संत नामदेव महाराज की जय। महाराज गजब हुआ, पूरा मंदिर घूम गया। आप मंदिर के पीछे कीर्तन कर रहे थे, हम अंदर पूजा कर रहे थे और अचानक मंदिर घूम गया, हमारे सामने घूम गया। हमने ना कभी ऐसे देखा था ना कभी ऐसे सोचा था। महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तो आपसे माफी मांगने को भी शर्म आ रही है। अहंकार से मैंने न जाने आपसे क्या क्या कहा, समझ में नहीं आता। आप महान है, महान है आप, महान है। हमने आपके अधिकार को समझा नहीं, सब लोगों के सामने आपको भला बुरा कहा, आपके कीर्तन में बाधा डाली, कृपया हमें माफ कीजिए। आप तो पंडरीनाथ के महान भक्त हैं, आपकी साधना उच्चतम है महाराज। हम तो भगवान का नाम लेकर एक पत्थर भी नहीं हिला सकते, लेकिन आपने तो पूरा का पूरा मंदिर इधर से उधर कर दिया। ये चमत्कार है, अपूर्व चमत्कार है महाराज, अपूर्व चमत्कार है। हमें हमें माफ कर दीजिए महाराज। ये तो वैष्णवों का विजय है, विजय। आप सचमुच महान हैं, आप विठ्ठल के श्रेष्ठ भक्त हैं। भक्त जनों, ये सब इसलिए हुआ है कि आप लोग ये जान सको कि ईश्वर एक है। आप शिव की उपासना करो या विष्णु की, अंत में वो एक ही ईश्वर तक पहुंचती है। आज इस अज्ञान से आप लोगों को मुक्ति मिली, ये बात बहुत ही भाग्यकारक है। आज तक आप वैष्णवों को कम समझकर उपासना करते आए हो। शैव ही सर्वश्रेष्ठ है, इस अहंकार को मन में दृढ़ता देते हुए तुम उपासना करते आए हो। ये अहंकार छोड़ दो और पूरे सात्विक भाव से भगवान की उपासना